कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमार स्वामी की सीएम की कुर्सी गए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन कुमार स्वामी अभी भी गम में डूबे हैं। एचडी कुमार स्वामी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की है। कुमार स्वामी ने कहा है कि अगर बीजेपी से उनके रिश्ते अच्छे होते तो आज वो सीएम होते। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सब कुछ खो दिया है। कुमार स्वामी ने कहा कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री होता अगर मैं बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता। 2006 से 2007 में और 12 साल की अवधि में मैंने जो सद्भावना अर्जित की थी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के कारण सब कुछ खो दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में सीएम बनने के बाद सिर्फ एक महीने के समय में मैंने आंसू क्यों बहाए, मुझे पता था कि क्या चल रहा है। बीजेपी ने 2008 में मुझे चोट नहीं पहुंचाई, जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में मेरे साथ किया था। जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने इससे पहले कांग्रेस पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों को बांटने और विधायकों को खरीदने में माहिर है और उसकी वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग शब्द इस्तेमाल में आया। कुमार स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ अभियान के खिलाफ ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था, राजस्थान में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाली पीएसपी के विधायकों को फुसला नहीं लिया, क्या ये खरीदारी नहीं है। दरअसल दो साल पहले 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और जनता दल एस ने मिलकर सरकार बनाई थी और एचडी कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों पार्टियों ने पिछले साल साथ मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन इसके बाद गठबंधन में आंतरिक मतभेद गहरा गया और कुछ विधायकों की बगावत के चलते गठबंधन सरकार का पतन हो गया और कर्नाटक में दोस्ती निभाने चले कुमार स्वामी कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।